नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं खासतौर से उन केसेस के अंदर जहां पर पुरानी चोट की वजह से उनको दर्द रहने लग जाता है या दर्द होने लग जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है, कैसे सिम्टम्स को कवर करती है, किन किन चोट के अंदर अलग अलग तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, कैसे आप उनको ले सकते हैं, कितने पावर में यूज कर सकते हैं, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी चोट की बात आती है, जब अपन एक लाइफ एज छोटी एज में होते हैं या बचपन में होते हैं, तो काफ़ी तरीके के खेल कूद के दौरान चोटें लगती हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर चोट लग जाती हैं। बड़े होते हैं कई बार जाने अनजाने में कुछ चोट लगती हैं, शरीर पे किसी भी पार्ट में चोट लग सकती हैं, सिर में चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, मांसपेशियां इंजर्ड हुई है आपकी, कुछ टेंडन्स रप्चर हो जाते हैं, कुछ टेंडन्स में टीयर आ जाते हैं, या घुटने के अंदर चोट लग जाती है, पैर का जो है नीचे का पार्ट वो मुड़ जाता है, स्प्रेन स्ट्रेन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। लेकिन उस एज ग्रुप में या आपकी जो अर्ली एज होती है उसके अंदर ये समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आपकी एज एडवांस होने लग जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उस पुरानी चोट जो पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको लगी हुई होती है, उनका उसी पार्ट में अगर दर्द महसूस होता है, तो अपना इंडिकेशन जाता है कि उस ईयर के अंदर यानी उसके पहले मेरे को इस जगह पे चोट लगी थी, उस चोट वाली जगह पे मुझे आज दर्द महसूस हो रहा है। तो उस दर्द को कैसे अपन उससे राहत पा सकते हैं कि वो दर्द आपका बोन के अंदर दर्द हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपकी नर्व की वजह से दर्द हो रहा है, तो वो क्या है और कैसे उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से अपन कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन मेडिसिन का डिस्कस करते हैं अपन कि क्या क्या मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है। तो होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो पुरानी से पुरानी चोट जो आपकी सालों पुरानी लगी हो तो लेकिन उसका दर्द अगर आज आपको हो रहा है तो उस दर्द में बहुत अच्छा राहत देती है, जिसके अंदर आप काफ़ी तरीके के पेन किलर खा खा के परेशान हो चुके होते हैं लेकिन उन चीज़ों से राहत नहीं पाते हैं, तो आप होम्योपैथी का सहारा जरूर लें जिससे आप इन चीज़ों से राहत पा सकें। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन के अंदर दोस्तों आती है आर्निका। होम्योपैथी के अंदर आर्निका, जहाँ पे भी चोट का नाम आता है, किसी भी तरीके की चोट पे आर्निका को लोग यूज करते हैं, लेकिन आर्निका का जो खास पुराने दर्द में जो यूज आता है कि दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ब्लंट इंजरी, ब्लंट का मतलब एकदम से बिल्कुल जो शार्प एंड नहीं होता उनका, बिल्कुल ब्लंट इंजरी कोई चीज चोट लगती है उसकी वजह से, या कई बार वो चीज़ें होती हैं रगड़ खा जाती हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो कोई वजन उनके ऊपर से निकल जाता है, कोई चीज बीच में हाथ आ जाता है, पैर आ जाता है, उसकी वजह से उस टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में अगर आपको दर्द रहता है, उन केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है आर्निका। आर्निका उन केसेस में अच्छा वर्क करती है जहां पर आपको हीमेटोमा या बिल्कुल वहां पर ब्लड का कलेक्शन होके एक गांठ जैसा पार्ट बन जाता है वहां पर, उनको भी डिजोल्व करने में अच्छा मदद करती है, या कहीं पर भी आपको कोई इंजरी होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट बना हुआ होता है, चाहे ब्रेन के अंदर भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको आर्निका का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। तो आर्निका के जो केसेस होते हैं, बिल्कुल जो दर्द होता है उनका, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उनके पीड़ा लगती है, वहाँ पर ऐसा लगे कि हाथ भी कोई टच नहीं करे उस दर्द वाले पोर्शन के अंदर, जहाँ पे भी मरीज जिस पार्ट को है बिल्कुल रेस्टनेस महसूस करता है, जो रखना चाहता है वहाँ पे भी उनको दर्द होता है, बार बार बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो आर्निका 30 पावर के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने केसेस होते हैं उनके अंदर 200 और 1 एम तक की पोटेंसी भी यूज की जाती है, तो इनको आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है दोस्तों, जनरल डोज में मैं यूज करता हूँ 5 ड्रॉप आधा का पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो मेडिसिन दोस्तों आती है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया दोस्तों, जब भी किसी भी पर्सन के अंदर वेदर चेंजेस होता है, उसके अंदर जोड़ में दर्द होने लग जाता है या पर्टिकुलर पार्ट पे दर्द महसूस होता है, उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। कई बार अपन देखते हैं कि घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, कई बार गिरते हैं उठते हैं, उस टाइम नहीं होता, लेकिन आने वाली एज में अगर दर्द वो महसूस होने लग जाता है तो उसके अंदर कई बार घुटने की जैसे चोट लगी आपको, उसमें फ्लूड का कलेक्शन होने लग जाता है, वहाँ पर सूजन आने लग जाती है, बिल्कुल एकदम से जो है दर्द रहने लग जाता है घुटने के अंदर, फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसके अंदर जिसको साइनोवाइटिस भी बोलते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है ब्रायोनिया। जिनको रेस्ट से आराम मिलता है, चलने से बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लग जाता है, उन केसेस में भी अच्छा वर्क करती है ब्रायोनिया 30 पावर। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो दोस्तों कोस्टिकम। कोस्टिकम उन केसेज में अच्छा वर्क करती है जिनके अंदर आपको किसी भी कोई तरीके की नर्व इंजरी, यानी कि आपको बहुत पहले नर्व इंजरी हुई, उसकी वजह से काफ़ी समय बाद आपको उस पार्ट के अंदर वीकनेस अगर लग रही हो, आपको उसके अंदर
पैरालिसिस या नमनेस जैसे सिम्टम्स नजर आते हो, वहां वो पार्ट आपका कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता हो, पूरी तरीके से बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता हो, या आपको उस पार्ट के अंदर ही वीकनेस के साथ पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स लगते हो, नमनेस लगती हो, तो उनके अंदर यूज की जाती है दोस्तों कोस्टिकम 30 पावर। कोस्टिकम 30 पावर के अंदर सिंगल पार्ट्स पैरालिसिस यानी कि उस पार्ट जहां पर आपको चोट लगी उस पार्ट के अंदर ही सिम्टम्स अगर नजर आते हो, वहां पर कंटिन्यू आपको पीड़ा जैसी बनी हुई हो, उस पार्ट के अंदर आपको सोरनेस अगर नजर आ रही हो, तो उनके अंदर कोस्टिकम बहुत अच्छा रोल करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम। हाइपेरिकम के जो मेडिसिन है, पुरानी चोट क्या लगी हुई हो सकती है, जैसे आपको किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई नर्व इंजरी हुई होती है, कहीं भी किसी पार्ट में कोई चीज चुभ गई है, उस टाइम नर्व को इंजर कर गया है, उसकी वजह से आज अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसके अंदर अच्छा वर्क करती है। कुछ जो केसेज आपने देखे होंगे कि दोस्तों कमर दर्द लेडीज के अंदर बना रहता है, कमर दर्द भी क्यों, जिन लोगों को LSCS यानी सिजेरियन की वजह से जो इंजेक्शन लगता है कमर के अंदर, नीडल उनको इंसर्ट करनी पड़ती है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द रहने लग जाता है, उन केसेस के अंदर भी अच्छा वर्क करती है हाइपेरिकम 30 पावर, उनके बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ साथ में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं वो एकदम से गिर जाते हैं, जो पीछे के नीचे की जो हड्डी होती है उसके ऊपर चोट लगती है, कुल्हे के बल पे गिरते हैं, उनको उस टाइम चोट लगी, उस टाइम उनको एहसास नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में उस पार्ट के अंदर, इसको कोक्सिगोडाइनिया भी बोलते हैं, तो टेल जो बोन होती है उसके अंदर दर्द बना रहता है, तो उसके अंदर भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आपकी रस्टोक्स। रस्टोक्स मेडिसिन फाइबर्स टिश्यू के ऊपर, टेंडन्स के ऊपर, आपकी जो भी पेरियोस्टियम होती है, जॉइंट स्पेस के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। जिन लोगों को बार बार स्प्रेन या स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती हो, जिन लोगों को ओवर लिफ्टिंग की वजह से, जिनका ओवर लिफ्टिंग का वर्क रहता हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वर्क करते हों, जिन लोगों को बार बार खिंचाव आने की वजह से समस्या आज उनको महसूस हो रही हो, तो उनके अंदर रस्टोक्स बहुत अच्छा फायदा करती है। रस्टोक्स के जो केस होते हैं उनको बैठने करने से तकलीफ बढ़ने लग जाती है, जैसे ही वो मूवमेंट में आते हैं तो एक बार तकलीफ महसूस होती है, लेकिन कंटिन्यू मोशन से उनको उस प्रॉब्लम के अंदर रिलीफ मिलने लग जाता है, तो उसमें रस्टोक्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। रस्टोक्स 30 पावर और 200 पावर दोनों को ही यूज किया जा सकता है, उसकी भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, पुरानी जो चोटें बार बार आपको लग रही है, बार बार उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई होती है, तो इन चीजों के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो दोस्तों रूटा। रूटा का जो एक्शन रहता है दोस्तों उन केसेस में ज्यादा अच्छा वर्क करती है, जिनको चोट की वजह से किसी भी तरीके की कोई चोट लगी हो, किसी टेंडन्स पे लगी हो, किसी लिगामेंट्स पे लगी हो, किसी जॉइंट्स पे लगी हो, उस पार्ट के अंदर आपको कुछ डिपोजिशन अगर नजर आता हो, वहां पर कुछ जमाव जैसा होने लग जाता हो, उन केसेस के साथ में अगर जॉइंट में पेन अगर आपको रह रहा है या पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंजरी हुई, जैसे गैंग्लियन बन जाता है, कई बार चोट लगने की वजह से गैंग्लियन आपको डेवलप हुआ होता है, उनके अंदर रूटा का बहुत अच्छा रोल रहता है। रूटा के केसेस में भी उनको बैठने करने से, उनको रेस्ट करने से बढ़ जाता है, जैसे मोशन में आते हैं उनको आराम मिल जाता है, या जैसे ही वेदर चेंजेस होता है उनके अंदर उनको पेन होने लग जाता है उस पार्ट के अंदर, तब रूटा बहुत अच्छा वर्क करती है उन केसेस के लिए। तो रूटा की 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो दोस्तों सिम्फाइटम। सिम्फाइटम एक होम्योपैथी के अंदर एक अच्छी मेडिसिन है, जिन लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है उसके अंदर यूज की जाती है, लेकिन आपका फ्रैक्चर बहुत पहले हुआ रहता है, आपके चोट जो लगी हुई होती है बहुत पुरानी चोट लगी होती है उस पार्ट के अंदर, कहीं कोई पार्ट किसी का जैसे पार्ट काट एम्पुटेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं उसके बाद, लेकिन वो उस टाइम दर्द नहीं होता, आज जिसको काफी समय पहले जो प्रोसीजर हुआ था उसका दर्द आज अगर आपको महसूस हो रहा है, उस फ्रैक्चर वाले पॉइंट पे जो जुड़ चुका है उसमें आपको इरिटेशन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, उनके अंदर अच्छा वर्क करती है सिम्फाइटम। यानी कि सिम्फाइटम जो है बॉडी के बोन्स की जो पेरिस्टियम ऊपर की जो लेयर होती है उसके अंदर भी अच्छा वर्क करती है, यानी कि उनको हड्डी के ऊपर दर्द ऐसा कंटिन्यू बना रहता है, उनमें भी अच्छा वर्क करती है सिम्फाइटम। एक नेक्स्ट मेडिसिन वो डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, जिसका नाम है बेलिस पेरेनिस। बेलिस पेरेनिस उन लोगों के अंदर अच्छा वर्क करती है जिनको बार बार सर्जरी का सामना करना पड़ता है, बार बार सर्जरी करने की वजह से डीप टिश्यू इंजरी होती है, या कुछ केसेस के अंदर इंजरी के अंदर भी डीप टिश्यू इंजरी हुई रहती है, उसका दर्द अगर आपको काफी समय पहले अगर ऑपरेशन करवाया होता है, या काफी पहले आपको एक अंदरूनी कोई चोट लगी होती है उसकी वजह से दर्द महसूस होता है, आज अगर दर्द महसूस हो रहा है डीपर टिश्यू के अंदर, चाहे नर्व हो, चाहे बोन्स हो,
चाहे आपका मसल टेंडन्स हो उसके अंदर दर्द महसूस होता है, तो उसके अंदर बेलिस पेनिस का बहुत ही अच्छा शानदार रोल देखने को मिलता है। या जो भी बार बार मोच की वजह से बार बार एकदम से दबाव वाला जो उनको दिक्कत हुई होती है, बार बार उन चीज की जो मसल से दर्द चुकी होती है, उनके अंदर भी अच्छा वर्क करती है बेलिस पेनिस। बेलिस पेनिस 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉमन सी मैंने आपको कंडीशंस बताई, इन मेडिसिंस को अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी अगर लिया जाता है, जैसा जैसा आपका दर्द होता है, जैसा जैसा आपका केस होता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती हैं। यानी कि आप इवन काफ़ी सारे पेन किलर खा रहे होते हैं, उनसे भी आप निजात पा सकते हैं, उन मेडिसिन से बहुत अच्छी रिलीफ के साथ आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएँ। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।